वेलकम बैक। तो हमारे आज का जो सेशन होगा वो एक बार फिर से इंडक्टिव इफेक्ट पे ही हम डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को फर्दर। तो हमने लास्ट सेशन में देखा था इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये दो टाइप्स का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई। फिर हमने कुछ प्लस आई ऑर्डर भी देखा और माइनस आई ऑर्डर भी देखा था, और इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस भी हमने माइनस आई पे किए थे। तो आइए आज थोड़ा सा कुछ और यहाँ पे मेंशन करते हैं। पॉइंट नंबर वन आज के सेशन का जो है वो आप याद रखेंगे, दैट इज प्लस आई पावर of alkyl groups is directly proportional to the number of branching in an alkyl group. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमें पता है अल्काइल ग्रुप्स जो है ये प्लस आई ऑर्डर दिखाता है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। अल्काइल ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। अगर अल्काइल ग्रुप्स की मैं बात करूं, कौन सा अल्काइल ग्रुप कितना ज्यादा प्लस आई दिखाएगा, यह डिपेंड करता है अल्काइल ग्रुप के ब्रांचिंग पे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल यहां पर ले लूं आपके सामने, आपके पास है CH, CH3, CH2, CH2, CH3। यानी अगर मैं अल्काइल, जो अल्काइल बेसिकली आपके कार्बन चेन के साथ या किसी से रेफरेंस के साथ जुड़ा है, वो ये है, ये एक अल्काइल ग्रुप है जो फर्दर यहां पे रेफरेंस के साथ जुड़ा है, यानी जिस पे आपको देखना है इसका क्या असर उस पे होगा। ठीक है, तो ये अल्काइल ग्रुप है एक्चुअली। इस अल्काइल ग्रुप में ये ब्रांच है, दैट मींस ये एक ब्रांचड अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब ध्यान रखना, मैं यहां पे इसका कंपैरिजन इस अल्काइल ग्रुप के साथ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां ये पूरा अल्काइल ग्रुप जो है इसमें एक्चुअली वो कौन सा पार्ट है जो पेरेंट चेन के साथ डायरेक्ट जुड़ा है, वो ये कार्बन है, और इस कार्बन के साथ मैं बोलूंगा ये एक अल्काइल पार्ट है। नहीं, इसका मतलब अगर आप अच्छे से देखोगे, यहां पे एक ब्रांच इस अल्काइल ग्रुप में इस पोजीशन पे, यानी किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जो पोजीशन फर्दर जुड़ी हुई है कार्बन चेन के साथ या किसी रेफरेंस के साथ, ठीक, ऐसे कार्बन को हम जनरली फ्री वैलेंट कार्बन बोलते हैं। यानी इस फ्री वैलेंट कार्बन पे एक ब्रांच है। अगर आप इस फ्री वैलेंट कार्बन की बात करें, इस फ्री वैलेंट कार्बन पे दो ब्रांचेस है। याद रखें, प्लस आई पावर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग इन एन अल्काइल ग्रुप, और आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ ब्रांचिंग एट फ्री वैलेंट कार्बन इन एन अल्काइल ग्रुप। दोनों चीजें सही है। इन शॉर्ट, आपके पास ये दो अल्काइल ग्रुप्स है। ठीक है, अगर ये अल्काइल ग्रुप फर्स्ट वन है और ये सेकेंड ऑप्शन है, और आपको बताना ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, ये क्या कर सकता है फर्दर, यहां ये यहां इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट मींस ये फर्दर चेन को इलेक्ट्रॉन देके प्लस आई इफेक्ट दिखा सकता है, ये भी फर्दर इलेक्ट्रॉन देके चेन को, चेन में फर्दर इलेक्ट्रॉन देके प्लस आई इफेक्ट दिखा सकता है, ये भी प्लस आई दिखाएगा, ये भी प्लस आई दिखाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, इन दो में ज्यादा प्लस आई कौन दिखाएगा? आपको वो ये देखना है कि फ्री वैलेंट कार्बन पे कितनी ब्रांचिंग है, यहां एक और यहां फ्री वैलेंट कार्बन पे दो ब्रांच है, या मैं ये बोलूंगा यहां इसमें एक ब्रांच है ओवरऑल अल्काइल में, इसमें दो ब्रांचेस है इस अल्काइल ग्रुप में लेकिन जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी आपको देखना है कि जहां पे ये जुड़ा है उसके बाद अगर आप स्ट्रेट या कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखें फिर कितने ब्रांच है, यहां पे आप कंटिन्यूअस चेन देखें ब्रांच कितनी है। ठीक, आप इसको चेन नहीं मान सकते, आप इसको ऐसे चेन नहीं मानेंगे, ऐसे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। सो आप क्या बोलेंगे, यहां एक ब्रांच है, यहां दो ब्रांच है, इसलिए आप बोलेंगे आज के बाद कि जब कभी भी ये वाला अल्काइल है, ये वाला अल्काइल जिसको टर्शरी ब्यूटाइल मैं बोल सकता हूं यहां, ठीक है, ये अल्काइल यानी दिस सेकंड वन, इसका प्लस आई पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन जो मैंने यहां पे लिखा, ये CH2 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH2 whole 2, बिकॉज ये दो थे, एंड CH3 मैं इसको यहां पे रबी कर देता हूं, बिकॉज यहां मे बी
स्क्रीन बाहर जा रहा है स्क्रीन के, तो मैं नए से लिखूंगा, मैं बोलूंगा सीधे ही आंसर विल बी टू ग्रेटर देन वन. सो दिस विल बी द आंसर एंड दिस विल बी द प्लस आई ऑर्डर. आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर है. क्या है पहला पॉइंट? कि फ्री वैलेंट कार्बन पे जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी इस कार्बन पे, फ्री वैलेंट आप लिख भी सकते हैं नंबर ऑफ ब्रांचिंग एट फ्री वैलेंट कार्बन, ये लीजिए एट फ्री वैलेंट कार्बन, एट फ्री वैलेंट कार्बन इन एन अल्काइल ग्रुप. अब आप आज के बाद अल्काइल ग्रुप चेक किया करें और देखा करें फ्री वैलेंट कार्बन वहां पे कौन है. ठीक है, उस फ्री वैलेंट कार्बन पे जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी वही ज्यादा प्लस आई शो करेगा. ये पहला पॉइंट आज का था. दूसरा पॉइंट जो हम यहां पे याद रखेंगे वो ये है, इफ ब्रांचिंग इन एन अल्काइल ग्रुप इज सेम देन प्लस आई पावर is directly proportional to number of carbon atoms. ने plus I power of alkyl group उस time पे किसके बराबर है? Is directly proportional to number of carbon atoms present in an alkyl group. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इस फॉर्मूला को भी आप दिमाग में रखेंगे कि अगर आपके पास दो अल्काइल ग्रुप्स है उनमें दोनों में ब्रांचिंग सेम है, यानी एक अल्काइल ग्रुप में भी कोई ब्रांच नहीं है दूसरे अल्काइल ग्रुप में भी कोई ब्रांच नहीं, या एक अल्काइल ग्रुप में भी एक ब्रांच है दूसरे अल्काइल ग्रुप में भी एक ब्रांच है, या एक अल्काइल ग्रुप में भी दो ब्रांच है दूसरे अल्काइल ग्रुप में भी दो ब्रांच है, इन शॉर्ट दो अल्काइल ग्रुप्स है उनमें ब्रांचिंग अब सेम है, लेकिन उस टाइम पे क्या करेंगे अगर उनमें प्लस आई पावर देखना है, आप देखेंगे ब्रांचिंग तो सेम है लेकिन क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है. अगर वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट हुए तो उस टाइम पे आप बोलेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो दिखाएगा ज्यादा प्लस आई. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी एग्जाम्पल यहां पर हम लेंगे. मैं आपको दे रहा हूं CH3, ठीक है, और दूसरा दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, दूसरा दे रहा हूं CH2CH3, तीसरा दे रहा हूं ये लीजिए CH2CH2CH3. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं यहां पे बात करूं CH3 जुड़ा है, दैट मींस ये मेरा वो कार्बन बन गया जो इसको मैं फ्री वैलेंट कार्बन बोल सकता हूं. यहां पे कोई ब्रांच नहीं, यहां पे भी कोई ब्रांच नहीं, यहां पे भी कोई ब्रांच नहीं, इन तीनों में कोई ब्रांच नहीं है. जिस टाइम पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग सेम है, ना इसमें कोई है ना इसमें कोई है ना इसमें कोई है, दैट मींस नंबर ऑफ ब्रांच 0 0 0, दैट मींस बराबर. जब नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम होंगे उस टाइम पे जब आपको प्लस आई ऑर्डर देखना है आप क्या करेंगे, आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें ज्यादा है, तो आप क्या देख रहे हैं वो है थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट. सो ये बन गया यहां पे प्लस आई ऑर्डर, ये बन गया प्लस आई ऑर्डर. सो वापस आते हैं, समझने की कोशिश कीजिए. तो दो फॉर्मूला मैंने यहां पर दिखाए, अल्काइल ग्रुप कब प्लस आई ऑर्डर ज्यादा दिखाएगा, अल्काइल ग्रुप्स में से कौन सा अल्काइल ग्रुप ज्यादा प्लस आई पावर दिखाएगा. एक, अगर अल्काइल ग्रुप्स आपके पास हो दो या दो से ज्यादा, अब देखा करें कहां किस में नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा है या किस में नंबर ऑफ ब्रांचेस फ्री वैलेंट कार्बन पे ज्यादा है, जिसमें वो ज्यादा होते हैं वो प्लस आई ज्यादा शो करता है, उसका प्लस आई ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम हो तो उस टाइम पे आप क्या किया करें, आप देखा करें किस में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है वो ज्यादा प्लस आई शो करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे यहां, नेक्स्ट पॉइंट जो आज तीसरा पॉइंट आज के सेशन का है, दैट इज डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव पावर.
What is meant by this? Distance dominates over inductive power. आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं. यहां पे मैं एक रेफरेंस लेता हूं और इस पे हम देखने की कोशिश करेंगे क्या असर पड़ सकता है अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड होगा. ध्यान रखना, ये पहला वाला मैंने लिया और मैं यहां पे दूसरा वाला ले लेता हूं. समझने की कोशिश कीजिएगा. रेफरेंस पे यहां पे सीएल लगा. अब ध्यान रखना, ये रेफरेंस कार्बन चेन के साथ जुड़ा है या कार्बन चेन में ये रेफरेंस है, यहां कार्बन चेन में ये रेफरेंस है या नहीं, ये वो पोजीशन है जहां पे हम ये देखेंगे कि क्या असर पड़ेगा अगर इस कार्बन चेन में एफ होगा और अगर इस कार्बन चेन में सीएल होगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए, मैंने कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं की, आप कर सकते हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं. ठीक है, तो मान लेते हैं वहां पर सिर्फ एच है और यहां पर एफ है और यहां पर सीएल. Try to understand. F क्या करता है, F का क्या काम होता है? F शो करता है माइनस आई पावर, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जिसकी वजह से ये डिफिशियंट होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा. सिमिलरली Cl भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस तरीके से होगा. प्लीज ध्यान रखना. बट अगर आपको याद होगा, हमें पता है F का Cl से माइनस आई पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होता है. सो ये माइनस आई पावर ऑर्डर है F और Cl के बीच में. इसका मतलब ये है कि जब F इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, वो ज्यादा विड्रॉ करेगा और यहां पे वो ज्यादा डिफिशियंसी क्रिएट करेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू जितना Cl यहां पे करेगा. मतलब अगर यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप इतनी हुई, यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा. ये आंखों को समझाने के लिए, अदरवाइज दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं है दिखाने का कि ये ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ये कम है. बट समझाने के लिए, आपको दिख रहा है दूर से, अच्छा इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कम पॉजिटिव चार्ज है. रीजन क्या? फ्लोरीन. दैट मीन्स हमने यहां पर क्या देखा, इस रेफरेंस पे क्या असर पड़ा बिकॉज ऑफ एफ एंड सीएल. लेकिन एफ और सीएल का क्या देखा हमने, हमने इंडक्टिव पावर देखा. कभी हम माइनस आई पावर देखेंगे किसी का, कभी हम प्लस आई पावर देखेंगे. बट व्हाट इज माइनस आई एंड व्हाट इज प्लस आई, दैट मींस इट इज सिंपली इंडक्टिव पावर. तो हमने यहां पे देखा क्या इंडक्टिव पावर है. तो किसका इंडक्टिव पावर ज्यादा है, एफ का है कि सीएल का है? एफ का. और हमने लिया भी उसी एफ का ज्यादा. लेकिन हमारा रूल क्या बताता है, हमारा पॉइंट यहां पर क्या है, यह बता रहा है डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव पावर. यह समझने की कोशिश करें. रेफरेंस से ये एफ कितना दूर था, रेफरेंस से ये सीएल कितना दूर था. आप देखो यहां डिस्टेंस सेम थी, जितना एफ इस रेफरेंस से दूर था उतना ही सीएल इस रेफरेंस से दूर है. सेम रेफरेंस से एफ जितना दूर है उसी रेफरेंस से सीएल भी उतना ही दूर है. दैट मींस यहां डिस्टेंस सेम थी. जब डिस्टेंस सेम होगी आप इंडक्टिव पावर देखेंगे. लेकिन हमारा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव पावर. याद रखें पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पॉइंट कब एप्लीकेबल है. ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल है अगर डिस्टेंस डिफरेंट होगी ग्रुप्स के बीच में. ठीक है, यहां पे डिस्टेंस सेम है. अब देखो रेफरेंस से जितना सीएल दूर उतना ही रेफरेंस से बीआर दूर, एफ दूर. दैट मींस यहां पे ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है. तो ये पॉइंट कहां पे एप्लीकेबल है, आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. मैं यहां पर इस पॉइंट को अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. आप मेहरबानी करके ध्यान दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. नाउ ध्यान रखें, यहां पे हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं यही कार्बन चेन और हम एक बार फिर से एक रेफरेंस ले लेते हैं. ठीक है, इस रेफरेंस पे हम देखेंगे क्या असर पड़ेगा जब यहां पे एफ जुड़ा होगा. ठीक है, ये पहला वाला ध्यान रखिएगा. दूसरा वाला हम देखेंगे इसी रेफरेंस पे क्या असर पड़ेगा अगर Cl जुड़ा होगा. लेकिन ख्याल रखना, ध्यान रखना यहां पे इस चीज के ऊपर, यहां पे इस चीज के ऊपर आपने ध्यान रखना है. यहां जो F है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा. ये Cl क्या करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा. रिमेंबर फॉर एवर कि माइनस आई पावर जो है वो F का ज्यादा है देन Cl. उस हिसाब से, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करना चाहिए और इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए. लेकिन आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस,
आप देख रहे हैं ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जब आपने देखा ये माइनस आई ग्रुप तो है लेकिन थोड़ा दूर है रेफरेंस से एज कंपेयर टू ये माइनस आई वाला ग्रुप। जिस टाइम पे डिस्टेंस डिफरेंट हो डिस्टेंस को प्रेफरेंस दें, डिस्टेंस उस टाइम पे डोमिनेंट हो रहा है किसके ऊपर, इंडक्टिव पावर के ऊपर। यानी अगर आपका इंडक्टिव पावर बोल रहा था इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन डिस्टेंस चूंकि ये नजदीक है ये ज्यादा छीनेगा नजदीक से इलेक्ट्रॉन, उस हिसाब से यहां पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ मैंने किसका माना, क्या मैंने पावर आई आई पावर का माना, इंडक्टिव पावर का माना कि मैंने डिस्टेंस के हिसाब से माना, मैंने डिस्टेंस के हिसाब से माना। तो आज के बाद आप याद रखें जिस टाइम पे इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप्स मौजूद होंगे और फिर आपको देखना होगा कि क्या असर होगा उनकी वजह से, आप चेक किया करें डिस्टेंस, बिकॉज वी नो दैट जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो याद रखेंगे बेटा, आप यहां पे इसको समझने की कोशिश करें, मैंने ये कम दिखाया और ये ज्यादा दिखाया, इसका मतलब यहां पे इस रेफरेंस पे सीएल की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होंगे, ज्यादा असर पड़ेगा इसके माइनस आई का एज कंपेयर टू दिस, एंड रीजन इज सिंपली डिस्टेंस। दिस मीन्स डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव पावर। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए बिकॉज हम एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं और आहिस्ता आहिस्ता से मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इनको क्वेश्चंस में यूज करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पे है दैट इज वीक मल्टी ग्रुप्स शो more inductive power than a single strong group. What does that mean? Please try to understand. एक बार फिर से मैं कार्बन चेन लूंगा जिसमें मैं एक पोजिशन जिसको मैं रेफरेंस बोल रहा हूं ये देख रहा हूं बेसिकली उस पर क्या असर होगा। अगर यहां पे F अटैच है नंबर वन एंड नंबर सेकेंड सेम पोजिशन पे रेफरेंस से जितना दूर F था उतना ही दूर सेम पोजिशन पे Cl है लेकिन वो दो है, ध्यान रखिएगा। बताएं मुझे माइनस आई पावर किसका ज्यादा था, माइनस आई पावर एफ का ज्यादा था देन सीएल, ठीक है। दैट मींस ये एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव ग्रुप था, ठीक है, और ये वाला इसके कंपैरिजन में वीक था। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग जो है आप देखो ये एफ जो है ये इकलौता है ये सिंगल है, लेकिन अगर आप सीएल की तरफ देखोगे वो एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा एटम्स या ग्रुप्स होंगे हम इसको बोलेंगे वीक मल्टी ग्रुप्स और इसको बोलेंगे सिंगल स्ट्रॉन्ग ग्रुप। याद रखना ये पॉइंट एप्लीकेबल है अगर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर डिस्टेंस जो हो वो सेम हो, ठीक है। जब डिस्टेंस सेम हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बीच में या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के बीच में, फिलहाल मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दिखाया एफ और सीएल, जब डिस्टेंस सेम है रेफरेंस से, सेम है रेफरेंस से, ये स्ट्रॉन्ग सिंगल ग्रुप है, ये वीक मल्टी ग्रुप्स है। मैंने क्या बताया वीक मल्टी ग्रुप्स जो है उस टाइम पे इंडक्टिव पावर ज्यादा दिखाते हैं। बाय द वे ये कौन सा पावर दिखाता है, कौन सा इंडक्टिव पावर दिखाता है, सीएल, सीएल दिखाता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव पावर, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव पावर, एफ भी दिखाता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव पावर। जब ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा एफ दैट मींस रेफरेंस से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो रहे हैं, सिमिलरली सीएल की वजह से भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो रहे हैं रेफरेंस से। नाउ अगर ये इकलौता होता ये एफ होता और ये सीएल होता और डिस्टेंस सेम होती हम बोलते एफ स्ट्रॉन्ग है वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये सिंगल है स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन सिंगल है, लेकिन ये क्या है वीक तो है मान लिया लेकिन ये एक से ज्यादा है यानी मल्टी ग्रुप्स है। रिमेंबर मल्टी ग्रुप्स की वजह से ज्यादा असर पड़ेगा एज कंपेयर टू सिंगल स्ट्रॉन्ग ग्रुप। तो आज के बाद जब डिस्टेंस सेम हो और एक डिस्टेंस जब सेम हो दो मॉलिक्यूल्स में दो कंपाउंड्स में एक जगह पे सिंगल स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो दूसरी जगह पे एक से ज्यादा वीक मल्टी ग्रुप्स हो याद रखेंगे आप वीक मल्टी ग्रुप्स ज्यादा असर डालेंगे एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग सिंगल ग्रुप। आई होप यहां तक क्लियर है। वापस आ जाता है
पहला मैंने पॉइंट बताया कि जब जब भी आपके पास अल्काइल ग्रुप्स होंगे, अल्काइल ग्रुप्स में प्लस आई पावर कौन दिखाएगा? वो अल्काइल ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ ब्रांचेस एट फ्री वैलेंट कार्बन ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस सेम हुए तब जाके प्लस आई पावर वो दिखाएगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अल्काइल ग्रुप में ज्यादा होंगे। ये अल्काइल ग्रुप को लेकर मैंने बोला था। उसके बाद मैंने बोला डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव पावर, यानी अगर आपके पास दो कंपाउंड्स है, दो मॉलिक्यूल्स है, एक में ज्यादा इंडक्टिव पावर स्ट्रॉन्ग दिखाने वाला है और दूसरे में वीक वाला है, लेकिन वीक वाला ज्यादा नजदीक है और स्ट्रॉन्ग वाला दूर है, आपको वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं देखना है उस टाइम पे अगर डिफरेंट डिस्टेंस पे है, आपको सिर्फ देखना है डिस्टेंस, यानी नजदीक कौन है रेफरेंस के, जो नजदीक होगा रेफरेंस के वही रेफरेंस पे ज्यादा असर डाल सकता है। उसके बाद हमने देखा अगर डिस्टेंस सेम हो लेकिन डिस्टेंस सेम है, एक जगह पे स्ट्रॉन्ग है और दूसरी जगह पे वीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सिंगल ग्रुप है, वीक मल्टी ग्रुप्स है, तो याद रखना रेफरेंस पे वीक मल्टी ग्रुप्स का असर ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग सिंगल ग्रुप। ये सारी चीजें जो है इनको अभी हम आहिस्ता आहिस्ते से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। नाउ ये फिलहाल कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स थे आज की इस सेशन में। आइए अब हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उसी में ये सारी चीजें आप अप्लाई कर देंगे जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नंबर फर्स्ट इज, फर्स्ट एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस, स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस। देखिए चार्जेस यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को किस तरीके से हम देखते हैं स्टेबल होगा और नेगेटिव चार्ज किस तरीके से स्टेबल होगा, या पॉजिटिव चार्ज पे या नेगेटिव चार्ज पे क्या असर पड़ेगा उनकी स्टेबिलिटी पे ड्यू टू प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट, वो अभी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए पहले अगर मैं इस तरीके से चार्ज दे दूं, मैं वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, वैलेंसी आप खुद सेटिस्फाई कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का कोई कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। अब इस चीज में आराम से देख लेना, इस स्पीशी में जो एक चार्जेड स्पीशी है इसमें क्या लगा हुआ है आप आराम से देख लेना। इसमें इस पोजिशन पे एफ लगा है, क्या लगा है? एफ लगा है। सो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। नंबर सेकेंड एग्जाम्पल इज यहां पे सी 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 with a positive charge, that means एक बार फिर से ये positively charged species है। इस positively charged species में इस position पे Cl लगा हुआ है। Now, try to understand। अब हमें ये देखना है कि इस positive charge पे क्या असर पड़ेगा। Please ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा reference हुआ, because मुझे इस पे ध्यान देना है, इस पे क्या असर होगा, ठीक है। इस पे क्या असर होगा? अगर यहां कार्बन चेन में फ्लोरीन होगा, अगर यहां कार्बन चेन में क्लोरीन होगा, पहली बात यहां फ्लोरीन है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, यहां क्लोरीन है ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, बिकॉज ये माइनस आई वाले ग्रुप्स है। नाउ क्या कार्बोकैटायन से जितना दूर फ्लोरीन है, क्या कार्बोकैटायन से दूसरा, कार्बोकैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है। सो क्या इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी से जितना दूर फ्लोरीन है पहली एग्जांपल में, क्या उतना ही दूर सेकेंड एग्जांपल में क्लोरीन भी है इस कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन से? आपका आंसर होगा यस। दैट मींस मैंने कैसे देखा, मैंने अप्रोच कैसे किया इस क्वेश्चन को, मैंने पहले डिस्टेंस चेक की। तो आज के बाद आप भी क्या किया करेंगे, आप रेफरेंस ढूंढ लें और फिर इस रेफरेंस को लेके आप देखें डिस्टेंस, और फिर देखें जो ग्रुप आपके पास वहां मौजूद है वो कौन से वाले ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पहले ही पता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट और रेफरेंस से सेम डिस्टेंस पे मौजूद है। जब ऐसा कुछ है, अब सेम डिस्टेंस पे है और माइनस आई वाले ग्रुप्स है, तो आपको याद करना पड़ेगा अपना माइनस आई पावर, ये याद होना चाहिए। माइनस आई पावर आपको बताता है एफ का ज्यादा है देन सीएल, दैट मींस ये चीज यहां पे हम अप्लाई कर लेंगे। जब एफ का माइनस आई पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू सीएल, होगा क्या, एफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से यहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी और यहां उसके कंपैरिजन में कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। यस ऑर नो? नाउ टेल मी,
पहले भी पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज आया, बताओ नेट पॉजिटिव चार्ज पहले के कंपैरिजन में नेट पॉजिटिव चार्ज मैं बोलूं वो बढ़ गया, ठीक है, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ वो भी बढ़ गया, इसके कंपैरिजन में ये भी बढ़ गया, मगर इतना नहीं बढ़ा जितना जितना यहां बढ़ा था उतना यहां पर नहीं बढ़ा, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं, पहले ये भी पॉजिटिव चार्ज था ये भी पॉजिटिव चार्ज था, इस F और Cl ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसकी भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ाई इसकी भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ाई, इन शॉर्ट जब जब भी एक पॉजिटिव चार्जेड स्पीशी के साथ ऐसा ग्रुप लग जाए जो माइनस आई पावर शो करे, माइनस आई पावर हमेशा या माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हमेशा पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशी की पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाता है, डन, क्या हम ये एक पहला पॉइंट याद रख सकते हैं या ये पहला पॉइंट नोट कर सकते हैं क्या, व्हेन एवर एन एटम विच शोज माइनस आई इफेक्ट और ए ग्रुप विच शोज माइनस आई इफेक्ट व्हेन एवर इट इज अटैच्ड टू ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी इट ऑलवेज इंक्रीजेस इट्स पॉजिटिव चार्ज, यस आई नो, आइए ये पहला पॉइंट लिख लेते हैं, क्या है हम बोलेंगे व्हेन एवर positively charged species is attached to an atom or a group which shows minus I effect or electron withdrawing inductive effect. Then, at that time, magnitude of positive charge increases. ये पॉइंट बिल्कुल आसान है, याद रखना है क्या, जब जब भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है और उसके साथ कहीं ना कहीं चेन में उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होगा क्या माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप या कोई अटम, याद रखना वो माइनस आई अटम या माइनस आई ग्रुप हमेशा इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसकी पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा, ठीक है, सो इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्जेड स्पीशी के साथ माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप जुड़ा होगा वो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा वो डिपेंड करता है ना वो कितना माइनस आई शो करता है, ज्यादा माइनस आई जितना होगा उतना उतना उसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो क्या मैं ये बोलूं क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ positive charge, magnitude of positive charge, अभी आपने बोला positive charge का magnitude बढ़ जाता है जब उसके साथ attach होगा minus I, so can I say magnitude of positive charge is directly proportional to minus I or electron withdrawing group attached to positively charged species. पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी, ध्यान रखना यहां पे एक डायरेक्ट रिलेशन है, क्यों डायरेक्ट रिलेशन है चेक करना, देखो जब पॉजिटिव चार्ज के साथ माइनस आई जुड़ा है वो माइनस आई क्या करेगा, माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, अब दूसरी पॉजिटिव चार्ज यही सेम पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ दूसरा माइनस आई ग्रुप जुड़ा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतनी इसकी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी, वही हुआ कि मैग्नीट्यूड किसी भी पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा उसके साथ जो माइनस आई ग्रुप जुड़ा है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि वो थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, तो इस
फॉर्मूला को या इस पॉइंट को आप अपनी जगह नोट करें, इस वाले पॉइंट को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कि जब जब भी आज के बाद आपको किसी भी पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशी का मैग्नीट्यूड देखना है, आपको यह देखना है उसके साथ माइनस आई ग्रुप जुड़ा है. अगर माइनस आई जुड़ा है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा उतना उसकी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी. आइए बेटा वापस पहुंचते हैं अपने इस वाले यहां पर एग्जाम्पल पे. नाउ देखो, अब आपको यह सोचना समझना यह बिल्कुल जरूरत ही नहीं है. आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यह पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है, इस पॉजिटिव चार्ज स्पीशी से कहीं ना कहीं एफ जुड़ा है, इस पॉजिटिव चार्ज स्पीशी पे कहीं ना कहीं सीएल जुड़ा है. जब आप देख रहे हैं कहां जुड़ा है, आप देख रहे हैं डिस्टेंस सेम है. जब डिस्टेंस सेम है दैट मीन्स आपको माइनस आई पावर दिमाग में आ रहा है. जब माइनस आई पावर दिमाग में आया, आपको पता है इसका माइनस आई पावर ज्यादा, इसका कम, इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज स्पीशी का मैग्नीट्यूड जो पॉजिटिव चार्ज का वो ज्यादा होगा और इसका कम होगा. डन. ओके, नाउ उसके बाद एक और पॉइंट आप याद रखेंगे आज के बाद. क्या ध्यान रखेंगे बेटा, मैं बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज्ड स्पीशी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज, या हम इस तरीके से लिखेंगे सिंपली, हम इस तरीके से बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनी चार्ज्ड स्पीशी, ठीक, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड of that charged species. ये एक और फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे. ये ऑलरेडी ये चीजें आपको पता होती है क्यों, तो इसलिए ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखेंगे. क्या कोई भी चार्जेड स्पीशी, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, याद रखना उतना उसकी स्टेबिलिटी कम होगी. जितना किसी की पॉजिटिव चार्ज कम हो उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. ये अमंग पॉजिटिव चार्जेड स्पीशीज था. और अमंग नेगेटिव चार्जेड स्पीशीज हम ऐसे बोलेंगे जिस नेगेटिवली चार्ज स्पीशी की नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी. जितना ये मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मोर विल बी द रिएक्टिविटी, मोर द रिएक्टिविटी लेसर विल बी द स्टेबिलिटी. रिमेंबर मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मोर विल बी द reactivity, more the reactivity lesser will be the stability. In short, stability of any charged species is inversely proportional to magnitude of the charge. वापस आ जाते हैं, ये सारी चीजें दिमाग में रख के वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे. एक बार फिर से देखो, यहां पे चार्जेड स्पीशी, आपने क्या देखा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ज्यादा माइनस आई पावर ज्यादा इसके कंपैरिजन में. जितना ज्यादा माइनस आई पावर उतना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा, दैट मींस इसमें ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसमें कम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. अभी आपने देखा magnitude of charge is inversely proportional to stability. What does that mean? That means is pe zyada charge to kam stable, is pe kam charge to zyada stable. Hamara question hai stability of charge, to main yahan pe bolunga stability order is tarike se hoga. Yahan pe stability order is tarike se hoga. Main bolunga second is more stable than one. Now, अगर मैं आपसे पूछूं why second is more stable than one, आप बोलेंगे because one is less stable than second. नहीं, आप बोलेंगे second is more stable than one. Reason behind that is here magnitude of positive charge is less as compared to this. Magnitude of positive charge is less means it is less reactive. अगर ये less reactive है, that means ये ज़्यादा stable है. ठीक है? ये हो गया बेटा logically किस तरीके से आप बोलेंगे. लेकिन हमें यहां पे logic नहीं चलना है उतना जितना हमें चलना है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट. तो हम क्या याद रखेंगे, ध्यान रखना, मेहरबानी करके समझने की कोशिश करना. अब हमें क्लियर है कि दैट दिस इज हैविंग मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू दिस, या दिस इज हैविंग लेस स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू दिस. तो आज के बाद हम यह याद रखेंगे, जब जब भी पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशी हो और उसके साथ माइनस आई पावर हो, जितना माइनस आई पावर स्ट्रॉन्ग हो,
बिकॉज एफ इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सीएल. जितना ये स्ट्रॉन्ग हो उतना स्टेबिलिटी कम, जितना ये वीक हो यानी उसके कंपैरिजन में उतना स्टेबिलिटी ज्यादा. बिकॉज आपने देखा एफ और सीएल वाले केस में सीएल वाला केस इज मोर स्टेबल. सीएल और एफ में सीएल की थी ना इंडक्टिव माइनस आई पावर कम, यानी माइनस आई पावर कम पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा. तो फॉर्मूला एक याद रखना है जिससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन निकल आएगा. क्या आप याद रखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ, बाकी सारी चीजें बुलानी है, सिर्फ ये याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ एनी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी. एनी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी उसकी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, सॉरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इलेक्ट्रॉन withdrawing group attached to that charged species. ये पॉइंट आप ध्यान में रखें, इसको अब नोट डाउन करें आप. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या कि जब जब भी आज के बाद आपको किसी भी चार्जेड स्पीशी की स्टेबिलिटी देखनी है, अगर विद रेस्पेक्ट टू माइनस आई आपने देखना है, आपको देखना है कि किस चार्जेड स्पीशी के साथ माइनस आई वीक होगा, जो उसके साथ जुड़ा होगा. जहां जितना वीक माइनस आई होगा उतना वो पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशी ज्यादा स्टेबल होगा. आइए अब हम कुछ भी नहीं, कोई जो मैंने इससे पहले समझाया वो कुछ याद नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये याद रख के डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे. आइए देख लेते हैं किस तरीके से. सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. समझना, चीजों को समझना. पहला ऑप्शन दिया है CH3, CHF, CH2 with a positive charge, ध्यान रखना. दूसरा ऑप्शन दिया है CH3, CHCl, CH2 with a positive charge. तीसरा ऑप्शन दिया है CH3, CHBr, CH2 with a positive charge. एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है CH3, CHI, CH2 विद ए पॉजिटिव चार्ज. सबसे पहली बात आपको यह देखना है, क्या यह पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है? Yes. अभी मैंने बोला जब जब भी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज हो और विद रेस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड उसमें भी विद रेस्पेक्ट टू माइनस आई, अगर आपको एक्सप्लेन करनी हो स्टेबिलिटी, आप किस तरीके से करेंगे? सबसे पहली बात आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है, इसके साथ इस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी के साथ कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं एफ है, आप देख रहे हैं सीएल है, आप देख रहे हैं बीआर है, आप देख रहे हैं आई है, और CH2 पॉजिटिव से सेम डिस्टेंस, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी से सेम डिस्टेंस पे एफ सीएल बीआर आई हर किसी एग्जांपल में दूर है ना. अब आपको पता है, आपको पता है माइनस आई पावर जो है वो इस तरीके से है, वो शाबाश किसका सबसे ज्यादा है? एफ का ज्यादा है सीएल से, सीएल का ज्यादा है बीआर से, बीआर का ज्यादा है आई से. या मैं यूं बोलूंगा माइनस आई पावर इस तरीके से, आई का कम है बीआर से, बीआर का कम है सीएल से, सीएल का कम है एफ से. यही है ओके. अब सबसे कम किस में है? सबसे कम है आई में, सबसे कम है आई में. आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा है एफ में. आई जहां माइनस आई पावर सबसे कम होगा वो वाली पॉजिटिव चार्ज स्पीशी सबसे स्टेबल होगा. दैट मींस ये स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा. बिकॉज हमने अभी पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ एनी चार्जेड स्पीशी, एनी पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई. जहां माइनस आई सबसे कमजोर वही सबसे स्टेबल. सो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत ही आसान है अब हमारे लिए. स्टेबिलिटी ऑर्डर बन गया, मैं बोलूंगा 4 ग्रेटर देन 3, मैं बोलूंगा ग्रेटर देन 2 एंड ग्रेटर देन
वन. देखो कितना आसान सा ये ऑर्डर बन जाता है, लेकिन अगर हमें पहले पहले समझना है फिर फाइनली फॉर्मूला याद रखना है. पहले मैंने आपको समझाया वजह क्या होती है कि ये एफ जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इसकी पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा बढ़ेगी. पहले भी पॉजिटिव था और बढ़ गई, दैट मीन इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का हो गया. जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का हो गया उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम. पहले तो ये सारी चीजें हमने समझी, लेकिन फाइनली हमने याद रखा कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज माइनस आई. अब देखना है माइनस आई किसमें वीक है, जिसमें माइनस आई वीक है वही सबसे ज्यादा स्टेबल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी हुआ. आई होप यहां तक क्लियर है. नाउ नेक्स्ट, यहां पे हम चार्ज्ड स्पीशी जो बनाने जा रहे हैं दैट चार्ज्ड स्पीशी विल बी ए नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी. ध्यान रखना, अब मैं इस तरीके से कर रहा हूं, मैं एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना रहा हूं, यानी कार्बेनियन बना रहा हूं, ठीक. और इस तरीके से हम इसमें यहां पे लगा देते हैं से, या यही पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी पहले मैं दिखाऊं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है. और इसमें हम किस तरीके से, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम CH3 इस तरीके से लगाते हैं. दैट मींस अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, मुझे ध्यान रखना है मेरे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी पे, इसके साथ जो अल्काइल पार्ट जुड़ा है उसका ये कार्बन बन गया फ्री वैलेंट कार्बन, ठीक है. ओके जी. Now, अब ध्यान रखना, दिस इज ऑप्शन नंबर वन, दिस इज ऑप्शन नंबर टू. समझना बेटा, सी 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 विद ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. समझने की कोशिश कीजिएगा, यही इसी फ्री वैलेंट कार्बन पे अब आप देख रहे हैं दो ब्रांचेस है. चलिए मैं इस तरीके से इसमें वैलेंसी सेटिस्फाई करता हूं, यहां पे H लगा देते हैं, यहां पे CH2 लगाते हैं, ये बनाते हैं CH3, इसी तरीके से CH3 ये बन गया CH2, इस तरीके से कंपाउंड है, ठीक है. अब ये दो एग्जांपल्स को गौर से समझ लो आप, यहां पे कौन सा पार्ट है इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी के साथ. आप बोलेंगे प्लस आई, यहां पे भी कौन है प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन ये देगा. बताइए दो केसेस में, ये जिसमें फ्री वैलेंट पे एक ब्रांच है और ये जिसमें फ्री वैलेंट पे दो ब्रांच है फ्री वैलेंट कार्बन पे, किसका प्लस आई पावर ज्यादा होगा. सेकेंड का प्लस आई पावर ज्यादा होगा ना एज कंपेयर टू फर्स्ट, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा और इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगी, इस पे नेगेटिव चार्ज स्लाइटली कम आएगी. अब समझना, गौर से समझना, देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज आया, दैट मींस नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा, यानी पहले के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज कम हुआ. यहां पे पॉजिटिव चार्ज पहले के कंपैरिजन में ज्यादा ही कम हुआ. आप देख रहे हैं मैं पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा छोटा कर रहा हूं समझाने के लिए आंखों को. तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, यहां पे भी कम हुआ, लेकिन दो के कंपैरिजन में अभी भी यहां ज्यादा है. जहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो कौन है, ये मैं बोलूंगा ना इन दो के कंपैरिजन में, इन दो के कंपैरिजन में ये जो फर्स्ट है इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट में अभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है इज मोर देन सेकेंड. समझ लो चीजों को, समझ लो, यस सर नो. इसमें अभी भी पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, यस सर नो. अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कहां ज्यादा है, इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या हुआ, कम. अभी मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. जितनी पॉजिटिव चार्ज स्पीशी की रिएक्टिविटी कम होगी उतना उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, बिकॉज रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेम स्पीशी दे आर इनवर्स रिलेटेड. देखो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम. दैट मीन्स अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना हो, अगर मुझे यहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना हो, आप बताएं बेटा स्टेबल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा ना टू एज कंपेयर टू वन. व्हाई टू इज मोर स्टेबल देन वन, बिकॉज टू पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम है. जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उतनी उसकी रिएक्टिविटी कम है, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा है. दैट मीन्स टू इज मोर स्टेबल देन वन. नाउ टू इज मोर स्टेबल देन वन या टू का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का कम है देन फर्स्ट, बट व्हाट इज द रीजन,
रीजन इज यहां पे प्लस आई स्ट्रॉन्ग था एज कंपेयर टू दिस. तो क्या यहां पे फॉर्मूला फिर हम आज के बाद याद रखें कि जब जब भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशी के साथ कोई ऐसा ग्रुप हो जो प्लस आई शो करे, जितना वो ज्यादा प्लस आई शो करेगा उतना वो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा. यानी हमारा फिर फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बन जाता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एनी चार्ज्ड स्पीशी, एनी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी, स्टेबिलिटी ऑफ एनी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड टू दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी. समझ लो, चीजों को समझ लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने की कोशिश करेंगे आप. क्या कि आज के बाद ध्यान रखना, जब जब भी पॉजिटिव चार्जेड स्पीशी की स्टेबिलिटी आपको एक्सप्लेन करनी हो ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आप ये देखें वहां प्लस आई ग्रुप है कि माइनस आई ग्रुप है. अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ प्लस आई ग्रुप होगा पॉजिटिव चार्जेड स्पीशी स्टेबल हो जाएगा. कितना स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस आई होगा. और अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ माइनस आई ग्रुप होगा पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी. कितनी कम होगी, डिपेंडिंग अपॉन ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गली विथड्रॉ करेगा. इसीलिए दो फॉर्मूलाज फाइनली आप याद रखें, वन स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशी इज inversely proportional to minus I or electron withdrawing group attached to positively charged species. Dusra, stability of positively charged species is directly proportional to, is directly proportional. Kiske proportional? Is directly proportional to the is directly proportional to the plus I or electron donating group attached to positively charged species. Misal, agar main yahan pe इसी से रिलेट यहां पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं. यही अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर, यही होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना होगा. अब इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी के साथ जो हम यहां पे ग्रुप जोड़ देंगे, मेहरबानी करके ध्यान दीजिएगा, पहला मैं ये CH3 जोड़ रहा हूं, ठीक है. दूसरा मैं यहां CH3 CH2 जोड़ रहा हूं. नंबर थर्ड मैं यहां पे इस तरीके से CH3 CH3 H विद ए पॉजिटिव चार्ज ये जोड़ रहा हूं, ठीक है. मैं नंबर फोर इस तरीके से जोड़ रहा हूं CH3 C CH3 CH3 विद ए पॉजिटिव चार्ज, ऐसे जोड़ रहा हूं. बट ये जो आंसर यहां पे हम करने वाले हैं वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. मे बी कल को आगे चल के इसमें कहीं पे आंसर डिफरेंट आए तो बेटा वो तब होगा जब हम सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट ऑन दैट बेसिस हम आंसर यहां पे देंगे, ठीक है. आइए देख लेते हैं यहां पे आंसर. हमारा कार्बोकैटायन के साथ क्या जुड़ा है, CH3 CH3 इलेक्ट्रॉन देगा. यहां पे क्या जुड़ा है, यह CH3 CH2 ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है. यहां पे इसके साथ क्या जुड़ा है, दो दो साइड से CH3, ठीक है. यहां पे क्या जुड़ा है, तीन तीन साइड से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तीन तीन प्लस आई ग्रुप्स है. देखिए यहां पे एक प्लस आई है, यहां पे भी एक प्लस आई है, लेकिन यहां दो प्लस आई है, यहां पे तीन प्लस आई है. जितना ज्यादा प्लस आई है, यहां पे एक है, यहां पे एक है, यहां पे दो है, यहां पे तीन है, आप मुझे बताएंगे ज्यादा प्लस आई पावर कहां पे मौजूद है, इस फोर्थ वाले में. इसलिए याद रखना फोर्थ वन इज मोर स्टेबल देन थ्री अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट. नाउ टू और वन में जो है इसमें भी प्लस आई एक ग्रुप है, इसमें भी प्लस आई एक ग्रुप है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट ये CH3 है और ये CH3 CH2 है. इन दो में किसका प्लस आई ज्यादा है, ये देखो ये फ्री वैलेंट कार्बन है, ये भी फ्री वैलेंट कार्बन है, यहां कोई ब्रांच नहीं, यहां कोई ब्रांच नहीं, लेकिन ये एक ही कार्बन है, यहां नंबर ऑफ कार्बन दो है. याद करो जब ब्रांचिंग सेम हो उस टाइम पे मोर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर विल बी प्लस आई पावर. तो इसका प्लस आई पावर इसके कंपेरिजन में ज्यादा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई पावर मैं ये बोलूंगा कि टू इज मोर स्टेबल देन वन. बट हकीकत में ऐसा होता है क्या, टू हकीकी मानों में मोर स्टेबल है वन से या वन मोर स्टेबल है टू से, वो हम आगे चल के देख लेंगे. लेकिन फिलहाल ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई हम क्या बोलेंगे, इसमें तीन तीन प्लस आई ग्रुप्स थे, इसमें दो प्लस आई ग्रुप्स थे, इन दो में एक ही प्लस आई ग्रुप था. ध्यान रखना इसमें क्या थे, इसमें तीन प्लस आई ग्रुप्स थे, इसमें दो प्लस आई ग्रुप्स थे, इसमें एक प्लस आई
ग्रुप था, इसमें भी एक ही प्लस आई ग्रुप था। इसका मतलब यहां प्लस आई एक, यहां एक, यहां दो, यहां तीन, तो ऑब्वियसली जहां ज्यादा वही ज्यादा स्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्पीशी के साथ जितना प्लस आई ज्यादा होगा उतना वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी ज्यादा स्टेबल, इसलिए पहले ये स्टेबल फिर ये स्टेबल। लेकिन इन दो में कैसे हमने देखा, इसमें भी एक, लेकिन इन दो में से किसका प्लस आई ज्यादा होता है, इस इथाइल का CH3CH2 का ज्यादा प्लस आई होता है एज कंपेयर टू मिथाइल, इसलिए मैंने पहले बोला ये टू स्टेबल है एज कंपेयर टू वन अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा, एक हमने देखा कि अल्काइल ग्रुप्स की जब ब्रांचिंग ज्यादा होती है तब ज्यादा प्लस आई शो करेगा, लेकिन अगर ब्रांचिंग सेम हो तब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर ज्यादा है तो प्लस आई शो करेगा। उसके बाद हमने देखा डिस्टेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव पावर, फिर हमने देखा अगर डिस्टेंस सेम होगा उस टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग सिंगल ग्रुप है उससे भी ज्यादा पावर शो करेगा इंडक्टिव इफेक्ट का, कौन, वीक मल्टी ग्रुप्स। ठीक है बेटा, फिर हमने एप्लीकेशन देखा, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, में हमने दो फॉर्मूलाज देखे, वन इज स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट अटैच टू दैट पॉजिटिव चार्ज स्पीशी, दूसरा हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच टू दैट पॉजिटिव चार्ज स्पीशी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आगे चलते हैं यहां से, तो आज के सेशन में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अल्लाह हाफिज़।